सो गाइज वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर काजा. हमें निकलना है अभी एक घंटे में. हमारे पास फ्री टाइम था थोड़ा सा, तो हमने कहा थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं. कुछ नहीं है, एक छोटी सी मॉनेस्ट्री है, वही विजिट करने जा रहे हैं थोड़े रील्स एंड ऑल के शॉर्ट्स के लिए. Morning guys, so we are leaving from Gaza and we'll have our breakfast and then we'll leave. और मैंने सारी पैकिंग कर ली है. हाँ, पैकिंग मेरी सारी हस्बैंड ही करता है, मैं कुछ नहीं करती. I accept it. Good job. चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए. देन हम एक न्यू डेस्टिनेशन जा रहे हैं जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी. तक के लिए stay tuned. So guys, हम लोग सबसे पहले रेडी हो गए हैं बिकॉज वी आर ऑन टाइम. तो हम थोड़ा एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि थोड़ा सा 10-15 मिनट नियर बाय एक्सप्लोर किया जाए काजा में. हवा ठंडी तो कुछ ठंड नहीं लग रही? हवा नहीं, एकदम से मैं वो बैग उठा के लाया ना. वो स्तूपा के लिए ओके. देखते हैं सर ये मोनेस्ट्री अपनी कितनी पुरानी मोनेस्ट्री है. काजा मोनेस्ट्री ये तो ज्यादा पुराना नहीं है. ओके 30-40 साल का होगा. 30-40 साल पुरानी. ओके थैंक यू. Guys, this is one of the monastery in Gaza and this is the only monastery जहाँ पे phones अंदर ले जाने पे restriction नहीं था and we can capture photo and videos as well. So ये almost 40-year-old monastery है. 40-year-old monastery है ये. प्यारी बनी हुई है, कितना प्यारा architecture है यहाँ का. Very beautiful. बहुत ब्यूटीफुल जगह है एंड ये वाली तो हमने एक्सप्लोर कर ली. ये फर्स्ट ऐसी मॉनेस्ट्री थी जहाँ पे हमें फ़ोटो खींचना अलाउड था, तो हम लोगों ने अच्छे से शूट किया. वहाँ आप देखो ऊपर एक और है, बट हम लोगों के पास में टाइम की बहुत कमी है एंड एक घंटा मिनिमम लगेगा ही लगेगा वहाँ जाने में, तो हम लोग अभी वहाँ नहीं जा रहे क्योंकि ऊपर स्टेयर्स का रास्ता है. मैं जस्ट आपको एक व्यू दिखाता हूँ, वहाँ पे स्टेयर्स है सामने. तो इस स्टेयर से ऊपर जाने में अप्रोक्सीमेटली 20-25 मिनट्स लगेंगे. दिस इज द यहाँ पे बुद्धा जी का स्तूपा है ऊपर. ये रात में बहुत सुंदर लगता है, यहाँ पे लाइट्स ऑन होती हैं पूरी. और उनको कितनी गाली बकलो वो तो भी करते हैं. लेवल अप करना ठीक है.
तेरा लेवल वाहियात में कम है, तेरा वाहियात का लेवल अभी अच्छा नहीं है। अभी वाही में हूँ मैं, याद आना पड़ेगा। तेरी वाहियात पंती अभी कम है। मतलब क्यों जाना है उस लेवल? कुछ खास कारण भी तो नहीं दिख रहा। अब मैं इसको तो नहीं मार सकता। हम तिब्बत और हमारे आईफोन का टाइम चेंज हो गया है फ्रॉम 1240 टू 3 मेरा नहीं हुआ 13 ये को 1242 ये एंड दिस इज अ मिरेकल स्लो है क्या एंड हम जा रहे हैं मम्मी से मिलने चाइना के फोन में फोन टाइम नहीं चेंज हो रहा है बाकी सब में हो गया कैमरा लाउड है ना हां हां यहां पूरा लाउड है आप मुझे बताना चाहोगे इनकी हिस्ट्री कुछ अगर आपको पता हो तो ये 1430 से है एशियन में बस इतना ही पता सिंस 1430 मॉन्क थे एक अच्छा के आसन में ऐसा हो ओके गाइज आप देख सकते हैं कि ये जो मम्मी है इन लोगों ने बिना किसी प्रिजर्वेटिव के रखी हुई है यानी 1430 से नाइस पीछे असली पैर ये पैर है ये जो घुटने हैं दोनों ये इसी पोजीशन में समाधि ली थी इन्होंने इन्होंने पर तो पैर ठंडे लग रहे हैं यहाँ मोनेस्टी है अब यार मैं बार बार नहीं
आप लोग? राइट साइड जा रहे हो। मम्मी कहाँ है? तुमने गाइस मम्मी को छोटा रूम क्यों दिया हुआ है? अरे वैसे एक चीज, अब हम ग्यू विलेज में हैं। आपको अभी हमने मम्मी दिखाई थी यहाँ पे। ग्यू विलेज प्रैक्टिकली इंडिया और तिब्बत के बिल्कुल बॉर्डर पे है। आपको जो पीछे पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ के पीछे पूरा तिब्बत है, सिर्फ यहीं तक इंडिया का है। यही रीज़न है कि तिब्बत आपको पता है कि चाइना के अंडर में है। यही रीज़न है कि आईफोन का टाइम यहाँ पर चेंज हो गया है, वो चाइनीज टाइम के अकॉर्डिंग चाइना का टाइम उसने पिक कर लिया है। तो प्रैक्टिकली यू कैन से कि हम बिल्कुल तिब्बत पे, और जो आपको उस तरफ की पहाड़ियाँ दिख रही है वहाँ पे इंडियन मिलिट्री इंडियन सोल्जर अभी भी रहते हैं। एवरी टाइम माइनस में टेम्परेचर रहता है, वहाँ पे सोल्जर एवरी टाइम रहते हैं एज अ बॉर्डर ऑफ इंडियन तिब्बत। गाइस यहाँ का वेदर बहुत ठंडा है। ब्रीदिंग इशू थोड़ा सा। गाइज वी आर एट नाको अगेन। काजा से हम लोग रिटर्न होके काफ़ी जगह होते हुए आए हैं और अभी हम रुके हैं नाको पे। हम लोग पहले भी आए थे नाको पे काजा जाते टाइम, अभी दोबारा हम लोग नाको पे लंच के लिए रुके हैं। यहाँ से हम दोबारा जा रहे हैं कल्पा, कल्पा में हमारा स्टे है, देन नेक्स्ट डे हम निकलेंगे। देन आई विल अपडेट यू कि हम कहाँ निकल रहे हैं नेक्स्ट डे। लंच हो गया हमारा एंड अभी हम लोग बस मोमेंट्स इन्जॉय कर रहे हैं। चलो, चाय आ रही है हमारी। वो तिब्बत का गेट था, मैं तिब्बत के गेट तक जाके आया हूँ। तिब्बत का गेट है? उसके बाद तिब्बत है। कंटेंट मिल गया, जल्दी जा। उसके बाद तिब्बत है, उस गेट के बाद लॉक लगा हुआ है, पुलिस वहाँ पे मिलिट्री खड़ी है, वो दिख नहीं रही है। गाय रही है सब आपको ना, बना रहे कोई तिब्बत का गेट नहीं है। आपको बताया किसने मुझे पता है गेट? अरे वहाँ पे हेलीपैड भी है, वहीं से वो आते हैं, मिल्की वाले आते हैं वहीं से उड़ जाते हैं। सर आपकी शक्ल पे जा रही है तो भाई यार वीडियो भेजना। सो गाइस वी आर बैक इन कल्पा एंड कल हम निकलेंगे चितकुल के लिए एंड आज हमारा ओवरनाइट स्टे है एंड वी आर वेरी टायर्ड। अब लोग आराम करेंगे, डिनर करके सब सोने वाले हैं क्योंकि बहुत थकान हो रही है, पूरा दिन हो गया आज ट्रैवल करते करते। एंड दिस इज़ अवर रूम, ये मैंने दिखाया ही था पहले वाले व्लॉग में, दिस इज़ द सेम रूम। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, मिलते हैं आपसे कल सुबह। गुड नाइट।